मैं खुशी रहूं आपका स्वागत करती हूं हैजी न्यूज में। गाइज, वंदे भारत एक्सप्रेस को अभी एक नई कामयाबी मिली है। वो दिखने में एक हवाई जहाज का सफर आपके लिए लेके आ रही है, तो चलिए जानते हैं ये खुशखबरी आपके लिए क्या है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक भी ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो आप जानते होंगे, वो दिल्ली से बनारस तक का सफर तय करती है और लोगों को उस ट्रेन में लेके जाती है। वो ट्रेन पहले ही बन चुकी है, तो एक उस ट्रेन को हमारे पीएम मोदी जी ने ही हरी झंडी दी थी और वो काफी सारे लोगों की, जैसे लोग जाते हैं उसकी बहुत ज्यादा उस ट्रेन की तारीफ भी करते हैं। तो अभी एक और ट्रेन हमारे पास आ गई है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये भी ट्रेन, ये पहली ऐसी ट्रेन है जो भारत में पूरी तरीके से बनाई गई है और एक चेन्नई की कंपनी ने इस ट्रेन को शुरू किया है और ये ट्रेन दिल्ली से कटरा तक का सफर पूरा करेगी। और ये ट्रेन काफी ही दिखने में काफी ही अच्छी है, जैसे कि अगर आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो फ्लाइट में जो साफ सुथरी सब चीजें रहती है, जिस तरीके से पायलट के सामने भी काफी सारा चीजें रहती हैं और वो भी बहुत कंफर्टेबल से बैठ सकते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और यात्रियों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और हमेशा ही उनके सुविधा के लिए दूसरे लोग खड़े रहते हैं वहां पर, तो इस ट्रेन में भी आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा। काफी ज्यादा फैसिलिटीज देखने के लिए मिलेगी। और तो और इस ट्रेन का जो किराया है, अगर हम आपको बता दें तो ये इसका किराया कम से कम 1600 से लेके 3000 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो डाक टिकट है वो 5 रुपए की होगी और उसमें इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है। इस ट्रेन में आपको 16 डिब्बे देखने के लिए मिलेंगे जो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। जैसे अगर आप जनरल में जाते हो तब आपको जनरल ट्रेन का टिकट भी मिलेगा और अगर आप टू टायर में जाते हो उसका मिलेगा। जैसे कि आप लोग यात्रा करते हो तो आप लोगों को बेटर पता होगा। और डाक टिकट जो 5 रुपए की है, हम आपको बता दें कि अगर बाई द वे आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हैं या कोई भी ऐसा पार्सल वगैरह भेज रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो वहां पर डाक टिकट मिलती है। एक छोटी सी एक टिकट होती है, उसको डाक टिकट बोला जाता है। तो इस ट्रेन के जो टिकट है वो भी एक डाक टिकट आपको वहां पर मिलेगी जिसके ऊपर ट्रेन की फोटो लगी हुई है और चेन्नई का कंपनी का नेम है और हिंदी और इंग्लिश में उस डाक टिकट में लिखा हुआ है। तो गाइज, आपको जान के इसके बारे में कैसा लगा तो हमें प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। जरूर बताइए कि जो ये ट्रेन चलने जा रही है, जिस फैसिलिटीज के साथ चलने जा रही है, उसके बारे में जान के आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जाते जाते एक लाइक ठोकना मत भूलिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।